हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने के लिए। अगर आप एक्सेल शीट में काम करते हैं और अचानक से आपको किसी का नाम खोजना हो तो कैसे खोजेंगे? करना कुछ नहीं है, यहाँ कंट्रोल दबाइएगा और यहाँ कंट्रोल एफ दबाइएगा तो इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए, तो इसमें आप किसी का भी नाम से सर्च कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से सर्च करते हैं, या आपके पास जो डाटा है उससे कोई एक मतलब टॉपिक कहें या नाम कहें या डेट ऑफ बर्थ कहें उससे आप सर्च कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप एक्सेल शीट में फिल्टर कैसे सेट करें। देखिए, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ सॉर्ट बाय लिखा हुआ है। टेक्स्ट फिल्टर किस तरह से आपको करना है, नाम से, तो यहाँ जिसका भी नाम चाहिए वो आपका आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ मोबाइल नंबर से तो मोबाइल नंबर में भी इस तरह का मोबाइल नंबर बहुत सारा आएगा। तो ये तो बहुत सबका आ रहा है, तो ये तो बड़ा अजीब सा है। आइए अब इसमें हम देखते हैं जेंडर वाले में। यहाँ पे जब हम लोग सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फीमेल मेल, तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर एक्टिव कैसे होता है तो ये देखिए, एरो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो ऑन या ऑफ जो भी आपको करना है हो जाएगा। यहाँ से ए टू जेड, जेड टू ए, इस तरह से भी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये सारे एरो ये जो दिख रहे हैं नीचे की ओर, ये सभी फिल्टर ऑप्शन है। यहाँ देखिए सबका डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कि एक्सेल शीट में फिल्टर करके कठिन से कठिन कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।